जनपद मुरादाबाद थाना भगतपुर क्षेत्र के गांव जानपुर में खादी ग्राम उद्योग मंत्री उत्तर प्रदेश गोपाल अंजान ने की युवा सम्मेलन सभा। इस सभा में उन्होंने पार्टी से जुड़े युवाओं को बीजेपी सरकार की नीतियों को हर घर तक पहुंचाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। योगी सरकार ने 4 साल में नौजवानों को 5 लाख नौकरी दी। वहीं कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन की मार झेल रहे 50,000 प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया। उत्तर प्रदेश के धरती पर रहने वाला प्रत्येक नागरिक हमारा है। पत्र लेकर प्रदेश के हर नागरिक को बताएं, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम करती है और करती रहेगी। वहीं उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर कहा, बीजेपी सरकार जिला पंचायत का चुनाव जोर शोर से लड़ेगी, सभी वार्ड में अपना प्रत्याशी उतारेगी, उसका समर्थन भी करेगी। ये थी मुरादाबाद से लोकेश सिंह की रिपोर्ट। ये जो सभा की गई है, किस विषय में सभा हुई है आज? आज हम लोगों ने युवा सम्मेलन किया है जी। उत्तर प्रदेश सरकार को सफलतापूर्वक माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने जो 5 लाख नौजवानों को नौकरी दी जी, तथा प्रवासी मजदूरों के लिए जो हम लोगों ने 50,000 से ऊपर लोगों को अब तक हम लोग काम दे चुके हैं, जो बैंकों के माध्यम से 5 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों ने काम दिया है, उस संबंध में अपने नौजवानों से निवेदन किया, ये सारे पत्रक लेके नीचे तक पहुँचे और जनता को बताएं कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सबके लिए काम कर रही है, हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, यानी कि उत्तर प्रदेश की धरती पर रहने वाला प्रत्येक नागरिक हमारा है, उसके विकास की जिम्मेदारी हमारी है, विकास हमारा परमो धर्म है और विकास के लिए ही हम काम कर रहे हैं। सर, क्या आने वाले त्रिस्तरीय चुनाव के विषय में भी आपने यहाँ कुछ जानकारी दी है? देखिए, चुनाव का भी 1 वर्ष रह गया है, तो हम तो हमेशा चुनाव ही लड़ते हैं, हमारे लिए हर दिन चुनाव का है। बंगाल में भी हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, आसाम में भी चुनाव लड़ रहे हैं, केरल में भी लड़ रहे हैं, तमिलनाडु पांडुचेरी में लड़ रहे हैं, हम लोग हमेशा चुनाव, हम राजनीतिक दल है, चुनाव हमारे लिए पहला कर्तव्य है। जैसे कि अब पंचायत चुनाव आने वाले हैं, उस विषय में आपने जिला पंचायत को चुनाव को जोर शोर से लड़ेंगे, हर वार्ड पे प्रत्याशी खड़ा करेंगे। अच्छा सर, प्रत्याशी को समर्थन देंगे, चुनाव लड़ाएंगे और अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे। ठीक।